वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आजमगढ़। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे रियलमी 9 आईफोन में डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक गाइस कैसे ऐड करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन का डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक ऐड करना चाहते हैं, मैं ऐसे बिल्कुल आपको सेटिंग करके बताएंगे। तो आप यहाँ से अपने फोन की सेटिंग के जरिए अपने फोन का डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ से ऐड कर सकते हैं। गाइस तो हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक को ऐड करके एंड गाइस यहाँ पे 100% वर्किंग करके भी दिखाएंगे। तो ये आपके फोन में काफी अच्छा वर्किंग भी करता है। तो हम यहाँ से आपको बिल्कुल बता रहे हैं अपने फोन के डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक गाइस कैसे ऐड करेंगे। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना, गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, यहां सर्च बार में जाना, आपको यहां पे सर्च कर लेना टच लॉक स्क्रीन। तो यहां पे जब गाइस सर्च करेंगे आपको बहुत एप्लीकेशन यहां पे देखने को मिल जाएंगे, बट यहां पे आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की रेटिंग भी काफी अच्छी है, इसको यूज करने वाले भी 1 मिलियन प्लस लोग हैं। तो हम देखिए यहां से बैक आते हैं और हम इसको एप्लीकेशन को ओपन करके और यहां से बताते हैं कैसे क्या परमिशन आपको देना है। यहां देखिए एप्लीकेशन को ओपन किए, यहां वॉलपेपर पर गाइस आपको क्लिक करना है, यहां आपको मिल जाएगा एनवायरनमेंट परमिशन का ऑप्शन, यहां पर गाइस क्लिक करना आपको। और यहां पे क्लिक करने मत आपको एप्लीकेशन को परमिशन देके यहां पे अलाउ कर देना है। फिर से वॉलपेपर पर गाइस यहां पे क्लिक कर देना है, वॉलपेपर पर गाइस क्लिक करने पर आपको यहां पर टच लॉक स्क्रीन मिलेगा, यहां पे गाइस क्लिक करके आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करके यहां से बैक आना है, फिर से बैक आना है और यहां आपको वॉलपेपर पर गाइस क्लिक कर देना है। यहां पर गाइस क्लिक करके आप यहां पे ओनली दिस टाइम यानी कि अलाउ कर देना, और अलाउ करने में आपको यहां पे मिल जाएंगे 9 वॉलपेपर यानी कि अदर और भी अगर वॉलपेपर आपको डाउनलोड करना तो आप यहां से नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखिए यहां पे अपने फोन के जो कि डिस्प्ले में वॉलपेपर के जरिए फिंगरप्रिंट लॉक ऐड करेंगे। तो हम देखिए गाइस अपने फोन में इस वॉलपेपर को सिलेक्ट करते हैं एंड गाइस आपको यहां पे दो ऑप्शन, दो बार भी टैप करके लॉक को ऐड कर सकते हो एंड गाइस चार बार भी टैप करके लॉक को ऐड कर सकते हो। हम देखिए यहां पे क्लिक करते हैं 1 2, यहां पे नेक्स्ट करते हैं 1 2, यहां पे नेक्स्ट करते हैं, फिर से आपको मिल जाएगा सेट न्यू पिन। यहां पर गाइस आपको पिन एंटर करना है, कंफर्म न्यू पिन, वही पिन डाल के आपको यहां पे कंफर्म भी कर देना है। सिलेक्ट योर क्वेश्चन, यहां पर गाइस क्लिक करके आप कोई भी चीज लेके उसका यहां पे आंसर कर दीजिएगा। तो यहां पे देखिए हम इसको आंसर कर रहे हैं कोई भी चीज डाल के, और यहां आपको मिलेगा सबमिट का ऑप्शन, यहां सबमिट पर गाइस क्लिक करना, आपको यहां पे स्टाइलस मिल जाएंगे, कौन से स्टाइलस में रखना चाहते हो तो आप यहां से यूज कर लीजिएगा। तो हम देखिए फिलहाल अपने फोन में कोई स्टाइलस यहां पे सिलेक्ट करते हैं, यहां पे इसको लिया, और यहां आपको यस और नो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यस पर गाइस क्लिक कर देना है और कोई भी सेटिंग आपको नहीं करना। यहां से हम देखिए बैक आते हैं और अपने फोन को हम देखिए लॉक करते हैं, यहां पर पावर बटन से देखिए प्रेस भी कर दिए और यहां पर साइड का लॉक खोलते हैं। और हमारे फोन में देखिए हम इसी वॉलपेपर के जरिए अपने फोन का डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक ऐड किए थे। अगर गाइस हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारा लॉक यहां पर ओपन नहीं होगा, जहां पर गाइस हम क्लिक करके लॉक को ऐड किए वहीं पे गाइस क्लिक करेंगे तभी हमारे फोन का लॉक यहां पे ओपन होगा। 1 2, देखिए यहां पे जहां पर हम गाइस क्लिक करके लॉक को ऐड किए थे वहां पर गाइस क्लिक किया, हमारे फोन का लॉक खुल के यहां पे ओपन हो चुका है। तो आप ऐसे सेटिंग करके अपने फोन का डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।